यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अतरौली लाया जा रहा है, जहां पर परोरा घाट पर पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अब अतरौली उनका पार्थिव शरीर लाया गया है, यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। इसके बाद एक अंतिम यात्रा होगी जो नरोरा घाट तक होगी, गंगा घाट तक होगी। 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक लंबा राजनीतिक जीवन उनका रहा है और देखिए, 2 बार मुख्यमंत्री रखे, 2 बार वो राज्यपाल के तौर पर भी अपनी सेवाएं देश में दे चुके हैं। हिमाचल के राज्यपाल रखे और राजस्थान के राज्यपाल रखे। सीएम योगी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में एक हुजूम उमड़ पड़ा है। के लिए आया हूं, श्री कल्याण सिंह जी का इस दुनिया से चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है और देश भर के दबे कुचले पिछड़ों ने और विशेषकर उत्तर प्रदेश के दबे कुचले पिछड़ों ने अपना एक हित चिंतक गंवाया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के श्री कल्याण सिंह जी बड़े नेता रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सत्ता त्याग करने में तनिक भर भी उन्होंने सोचा भी नहीं। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसी दिन मेरी बाबूजी से बात हुई थी। बड़े हर्ष और संतोष के साथ बताते थे कि मेरे जीवन का लक्ष्य आज पूरा हो गया। पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित रहा, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को समर्पित रहा और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने के लिए वो कार्यरत रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इतने गरीब तबके से उठकर इतना बड़ा नेता बनना, विचारधारा के लक्ष्यों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहना, समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखना, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की चीजें रहेगी।